दोस्तों G20 के पहले दिन ही भारत ने जो उपलब्धियां हासिल की है उन उपलब्धियों की चर्चा हर जगह हो रही है, क्योंकि दिल्ली घोषणा पत्र के 100% बिंदुओं पर सभी देशों की पूर्ण सहमति प्राप्त हुई है। इसमें वैश्विक स्तर पर बदलाव के लिए 10 पॉइंट्स को शामिल किया गया है, जिन पर दुनिया के सबसे ताकतवर देशों ने सर्वसम्मति दे दी है। दिल्ली घोषणा पत्र को भारत की बड़ी कामयाबी बताया जा रहा है। G20 सम्मेलन के पहले दिन ही भारत ने दिल्ली घोषणा पत्र पर सर्वसम्मति बनाकर इतिहास रच दिया है। वहीं भारत की पहल पर पहली बार G20 में 55 देशों वाले अफ्रीकन यूनियन को पूर्ण सदस्यता दे दी गई है। अब G20 जैसा मंच दुनिया का सबसे विशाल और समावेशी मंच हो गया है। दोस्तों, घोषणा पत्र में क्या वो खास जानकारी थी, आपको पूरी जानकारी देंगे, वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और ऐसी जानकारी वाली वीडियो आपके लिए ला सके। दरअसल दोस्तों, प्लेनेट, पीपल, पीस एंड प्रोस्पेरिटी, इन्हीं चार मुद्दों पर भारत ने G20 के दिल्ली घोषणा पत्र में पूरी दुनिया के नेतृत्व को जिन बातों पर सहमत किया, उनमें बड़े मुद्दे ये थे कि अब विश्व को सशक्त, सतत, संतुलित और समावेशी विकास की ओर बढ़ना है। इसके लिए सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति की ओर तेजी से प्रगति की जरूरत है। भारत ने सतत विकास के लिए हरित विकास समझौते पर दुनिया को सहमत किया है। इसके अलावा 21वीं सदी में दुनिया के बहुपक्षीय संस्थानों के गठन पर भी जोर दिया गया है। दोस्तों, G20 में भारत की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 5 साल में जितने भी सम्मेलन हुए हैं, उन सबके मुकाबले भारत में हुए G20 सम्मेलन की कई गुना तक उत्पादकता रही है। भारत की कुछ बड़ी पहल पर G20 ने दुनिया को बचाने, समावेशी विकास और शांति की दिशा में कुछ फैसले लिए हैं, जिनमें पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने जैसी पहल, ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव्स और मल्टीलेटरल वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस बनाने की दिशा में सहमति बनी है। दोस्तों, भारत में आज G20 की अध्यक्षता की शुरुआत हुई तो किसी ने अनुमान नहीं लगाया होगा कि इतना सफल दिन रहेगा भारत के लिए। 3 बड़ी सफलता भारत के लिए रही है। सबसे पहली ये है कि सुबह जो प्रधानमंत्री ने ये कहा कि सर्वसम्मति से अफ्रीकन यूनियन को 21वां सदस्य बनाया जाएगा G20 का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। दूसरी सफलता दिल्ली घोषणा पत्र के सर्वसम्मति से स्वीकार कर लेना, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। पूरी दुनिया का मीडिया यही कह रहा था कि दो बिल्कुल अलग विचार और स्थिति के देशों के बीच की दूरी को नहीं पाट पाएगा, लेकिन इसका स्वीकार कर लेना सभी को हैरान कर गया है। दोस्तों, G20 के पहले दिन की बड़ी कामयाबी तो ये है कि ये समझदारी और शांति की जीत है, ये किसी एक ब्लॉक की जीत नहीं है। पिछले कुछ महीनों से एक ऐसा माहौल बन रहा था जो पहले नहीं होता था। पहले सिर्फ एक बैठक होती थी और जो इसके सदस्य हैं, वो ही इसमें रुचि लेते थे। विश्व की निगाहें थी कि भारत में जो G20 होने जा रहा है उसमें क्या खास होगा, लेकिन भारत ने दुनिया भर के देशों को शामिल किया। इंडियन डिप्लोमेसी और प्रधानमंत्री की तारीफ होनी चाहिए, इन सभी लोगों ने मिलकर एक असंभव स्थिति को संभव कर दिया है। दोस्तों, सिक्योरिटी के लिहाज से रूस यूक्रेन युद्ध को हमने इसमें शामिल किया है। न्यूक्लियर के लिए भी साफ कह दिया गया है कि इसका इस्तेमाल किसी भी परिस्थिति में नहीं होगा। आतंकवाद पर भी चर्चा हुई, विस्तार से रूस यूक्रेन के ऊपर भी दिल्ली घोषणा पत्र में जिक्र है। इससे पश्चिम देशों को भी संदेश गया है। दोस्तों, समिट के पहले दिन 2 सत्रों को शामिल किया गया। पहले सत्र में वन अर्थ थीम पर चर्चा हुई, दूसरे सत्र में वन फैमिली पर चर्चा हुई। विश्व बंधुत्व के साथ विश्व शांति की बात हुई और इन्हीं दोनों कार्यक्रमों के बीच भारत के PM ने कई द्विपक्षीय बातचीत भी की। दोस्तों, गौरतलब है कि पहले रूस यूक्रेन के मुद्दे को लेकर इस घोषणा पत्र को मंजूरी मिलने में दिक्कतें आ रही थी। हालांकि बाद में भारत ने घोषणा पत्र के पैराग्राफ में बदलाव किए, जिससे इसे मंजूरी मिलने में आसानी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को G20 शिखर सम्मेलन के पहले दिन ऐलान किया कि एक खुशखबरी मिली है कि हमारी टीम के कठिन परिश्रम और आप सबके सहयोग से G20 लीडर समिट के डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि लीडर्स डिक्लेरेशन को भी अपनाया जाए। मैं भी इस डिक्लेरेशन को अपनाने की घोषणा करता हूं। इसे देश के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक घोषणा पत्र को सभी देशों की सहमति मिल गई है। इसमें 9 बार भारत का जिक्र किया गया है। घोषणा पत्र में 4 यूक्रेन का भी जिक्र है। इसमें भारत को चंद्रयान 3 की सफलता के लिए बधाई भी दी गई है। दोस्तों, यूक्रेन में युद्ध के संबंध में बाली में हुई चर्चा को दोहराते हुए हमने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रस्तावों पर अपने राष्ट्रीय रुख को दोहराया और इस बात पर जोर दिया कि सभी देशों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप सभी राज्यों को किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ क्षेत्रीय अधिग्रहण की धमकी या बल के उपयोग से बचना चाहिए। परमाणु हथियारों का उपयोग या उपयोग की धमकी अस्वीकार्य है। दोस्तों, आपको बता दें कि G20 नेताओं के घोषणा पत्र में क्या है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि हम गहरी चिंता के साथ कह रहे हैं कि अत्यधिक मानवीय पीड़ा हुई है और युद्धों एवं संघर्ष का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हमने मानवीय पीड़ा, वैश्विक खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा के संबंध में यूक्रेन में युद्ध के नकारात्मक प्रभावों पर प्रकाश डाला। हमने UNSC और UNGA में अपनाए गए देश के रुख और प्रस्तावों को दोहराया। परमाणु हथियारों का इस्तेमाल या धमकी देना अस्वीकार्य है। यह मानते हुए कि G20 भू राजनीतिक मुद्दों को हल करने का मंच नहीं है, घोषणा पत्र में स्वीकार किया गया है कि इन मुद्दों का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है। G20 घोषणा पत्र में आपूर्ति श्रृंखला, वृहद वित्तीय स्थिरता, मुद्रास्फीति और विकास पर यूक्रेन संघर्ष के नकारात्मक प्रभाव का उल्लेख है। G20 घोषणा पत्र में कहा गया है कि यूक्रेन संघर्ष ने देशों, विशेष रूप से विकासशील और अल्प विकसित देशों के लिए नीतियों पर जटिलता उत्पन्न कर दी है।
सभी देशों को किसी देश की क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ उसके भूभाग पर कब्जे के लिए बल के इस्तेमाल या धमकी देने से बचना चाहिए। हम सभी देशों से क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों को बनाए रखने का आह्वान करते हैं। G20 सदस्य वृद्धि को गति देने, टिकाऊ आर्थिक रूपांतरण लाने में निजी उद्यम की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हैं। G20 सदस्यों ने विकासशील देशों में निवेश योग्य परियोजनाओं की कार्ययोजना शुरू करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ काम करने का संकल्प लिया। हम वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF की बढ़ती संसाधन जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि घोषणा पत्र में जलवायु के लिए और AI के लिए क्या है। हमारे पास बेहतर भविष्य बनाने का अवसर है। ऐसे हालात नहीं बनने चाहिए कि किसी भी देश को गरीबी से लड़ने और ग्रह के लिए लड़ने के बीच चयन करना पड़े। हम लैंगिक अंतर को कम करने, निर्णय लेने वालों के रूप में अर्थव्यवस्था में महिलाओं की पूर्ण, समान, प्रभावी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम AI, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े खतरों को ध्यान में रखते हुए नवोन्मेष समर्थक नियमन शासन नजरिए को अपनाएंगे, जिससे उसका अधिकतम लाभ हासिल किया जा सके। दोस्तों, दुनिया के शीर्ष नेताओं ने जलवायु मोर्चे सहित विश्व के समक्ष मौजूद विभिन्न चुनौतियों से निपटने की तत्काल आवश्यकता होने का आह्वान किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि G20 नेता वित्तीय संकट के बाद वैश्विक विकास को बहाल करने के लिए 15 साल पहले पहली बार एक साथ आए थे। हम अब अत्यधिक चुनौतियों वाले समय में मिल रहे हैं। दुनिया नेतृत्व प्रदान करने के लिए एक बार फिर G20 की ओर देख रही है। मेरा मानना है कि हम मिलकर इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। दोस्तों, वैश्विक मुहिम के लिए एक कार्यबल बनाया जाएगा। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा ने कहा कि उनके देश की G20 अध्यक्षता के दौरान जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक मुहिम के लिए एक कार्यबल बनाया जाएगा। हम शमन, अनुकूलन, हानि और क्षति तथा वित्तपोषण के बीच संतुलित जलवायु एजेंडे के साथ ग्रह की स्थिरता और लोगों की गरिमा सुनिश्चित करते हुए 2025 में COP30 तक पहुंचना चाहते हैं। दोस्तों, G20 सम्मेलन का पहला दिन इन्हीं मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा करने में निकल गया, जिससे भारत ने कई नई उपलब्धियां हासिल की है। दोस्तों, आगे G20 सम्मेलन पर क्या नया अपडेट आता है, जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही एक और नए वीडियो के साथ वापस आ रहे हैं। धन्यवाद और फिर मिलते हैं।